हेलो एवरीवन। तो चलिए तैयारी करते हैं लंच की। एक्चुअली फ्रिज खोल के देखा तो कोई सब्ज़ी नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी बीन्स रखी हुई थी, आलू भी ख़त्म हो चुके थे, इसके अंदर हमने आलू भी नहीं डाला। अब वीकेंड पे जाएंगे तब सारी सब्ज़ियाँ लेके आएंगे। तो हमने बीन्स को साफ़ करके काट लिया, साथ में चने हमने रात ही भीगने के लिए रख दिए थे। तो चने को उबालते टाइम में ना इसके अंदर हमने दालचीनी होती ना उसको ऐड करा, क्योंकि चने उबलते बहुत देर में ये वाले काले वाले, और जब तक सही से ना उबले सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। और इसको हम ना एकदम मैशर से एकदम मैश कर दिया है, एकदम पेस्ट नहीं बना था लेकिन हाँ अच्छे से मैश हो गए थे। वैसे चने को ना थोड़ा सा मिक्सी के जार में डाल के भी उसका थोड़ा सा पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना बाकी के जो चने होते हैं वो खड़े खड़े रह जाते हैं, तो इस वजह से मैशर से काफ़ी सारी ताकत लगानी पड़ती है मैश करने के लिए। तो एक तरफ कढ़ाई में हम बीन्स बना लेंगे और दूसरी तरफ कढ़ाई में हम चने की सब्ज़ी बना लेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल, ज़ीरा दोनों ही तरफ हमने खूब सारा लहसुन ऐड कर दिया। चने की सब्ज़ी में बहुत सारा लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लहसुन ना थोड़ा सा भुना था, फिर हमने एक छोटे साइज़ का प्याज का पेस्ट बनाया वो ऐड कर दिया। यहाँ पर भी हमने कसूरी मेथी, लहसुन, ज़ीरा सारी चीज़ें ऐड करी हैं। अब यहाँ प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। इसके अंदर बीन्स डाल दी, हरी मिर्च डाल दिए, सारे सूखे मसाले डाल दिए और बस इसे कवर करके रख देंगे। ये बहुत जल्दी से बीन्स बन जाती है, इस तरीके से ना टेस्टी बहुत लगती है। जब जल्दी में हो ना, जल्दीबाजी में काम ख़त्म करना है, तो इस तरीके से बीन्स बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ प्याज का भी रंग ना हल्का सा भुन चुका था, फिर हमने सारे के सारे सूखे मसाले इसमें डाल दिए थे, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, रंग के लिए थोड़ा सा घर का पिसा हुआ लाल मिर्च डाल दिया, कसूरी में जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको पानी डाल के ना प्याज के अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे। चने की सब्ज़ी में एक तो मसाला बहुत अच्छे से भुना हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ऑयल के अंदर सबसे पहले लहसुन डाल देते हैं ना, लहसुन का पेस्ट, उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। जब प्याज एकदम अच्छे से भून गया मसाले के साथ में, तो यहाँ पर हमने 3 टमाटर का पेस्ट डाला। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ना तो बहुत बढ़िया बनते हैं। यहाँ पे 5-6 मिनट के अंदर बीन्स रेडी हो चुकी है। इसको एक दो बार बीच में चला दिया था ताकि ये मसाले ना चलें, आप देख सकते हैं बढ़िया बहुत लगती है। इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालते हैं ना, और बस मसाले। और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से टमाटर का पेस्ट जो डाला था पानी छोड़ देगा ना, तब तक इसे भून लेंगे 5 से 6 मिनट। आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल छूट गया है, और थोड़ा सा हमने ऑयल भी आज ज़्यादा इस्तेमाल करा है सब्ज़ी के अंदर। और आप देख सकते हैं चने जो हमने ऐड करे ना अच्छे से थोड़े थोड़े से मैश हैं, खड़े खड़े चने बहुत कम हैं। और इसको पानी डाल के अब अच्छी तरीके से पका लेंगे, और बस इतना फटाफट से खाना, यमी यमी सा टेस्टी खाना बन के रेडी हो जाता है। चने की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि बिना कोई और सब्ज़ी की इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है। एंड में हमने गरम मसाला और डाल दिया है, कसूरी मेथी तो पहले डाल ही चुके थे। रेडी हुई ना, हमने इसको पॉट में निकाल दिया क्योंकि लोही कढ़ाई में सब्जियां रखी नहीं जाती, राइस भी चढ़ा दिया। और पता है हमने सोचा था कि प्याज का रायता बनाएंगे, लेकिन फ्रिज देखा तो जो दही था ना वो भी ख़त्म हो चुका था, सिर्फ 2-3 चम्मच पड़ा हुआ था। और प्याज डाल के हमने उसी से ही बना दिया, उसमें नमक, काला नमक सारी चीज़ें ऐड कर दी और भुना ज़ीरा, और बस हमारी दोपहर का खाना बन के रेडी हो चुका है। इसमें कुछ कुछ सामान सारी चीज़ें बन गई, लेकिन प्लेट हमें तो एक तो टेस्ट इतना अच्छा लग रहा था ना, काले चने और राइस का कॉम्बिनेशन हमें लगता है सबको ही बहुत पसंद आता होगा। आपको ये कैसी लग रही है थाली आज की ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो कि रेसिपी व्लॉग है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एवरीवन, वेलकम टू माय रेसिपी व्लॉग। आज आपके साथ में एक गट फ्रेंडली रेसिपी शेयर करेंगे, साथ में कुछ ऐसी रेसिपीज जो कि हमारे खाने के टेस्ट को कई गुना बढ़ा देती हैं, साथ में वजन कम करना हो या फिर मेंटेन रखना हो उसके लिए बहुत हेल्दी रहती हैं और वाइटमिन मिनरल्स हमें बहुत मिलते हैं।